तो यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप वेट कर सके तो नेक्स्ट 4-5 मंथ तक वेट कर जाइए, क्योंकि आपके लिए और ज्यादा बेहतरीन ऑप्शंस इंडियन मार्केट में अवेलेबल होने वाले हैं। तो भाई लोग, जैसे कि आपने थंबनेल देखा, स्प्लेंडर प्लस विथ एबीएस, तो क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, ये चीज पूरे ही तरीके से पॉसिबल होने वाली है इन फ्यूचर। अब वो कब, वो वीडियो आप आगे देखिए, मैं आपको बताता हूं क्लियरली कि स्प्लेंडर प्लस जैसी 100cc की बाइक क्यों एबीएस सिस्टम के साथ आ रही है और वो कब मार्केट में अवेलेबल होगी और उसकी प्राइस रेंज क्या रहने वाली है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। बाय द वे, अभी कोरोना की वजह से हम बाहर के सेटअप पे नहीं जा सकते, इसीलिए घर पे ही शूट कर रहा हूं। तो आप भी घर पे रहिए और सेफ रहिए। मैं हूं आपका होस्ट साहिल और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीडी टॉक्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई लोग, कहीं सारे लोगों का पिछले दिनों में क्वेश्चन आ रहा था कि प्लेटिना में एबीएस आ गया, प्लेटिना में एबीएस आ गया, जो कि 110cc इंजन के साथ आती है, उसमें एबीएस प्रोवाइड कर दी, यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग जैसी सिस्टम, इतनी अच्छी सिस्टम आपको अब कम्यूटर सेगमेंट में भी देखने को मिल गई और वो बजाज प्रोवाइड करवाने भी लगा। बेहतरीन ये चीज मैं बोलता हूं, यहाँ पे बजाज ने अपने प्लेटिना में इंक्लूड कर दी है, जो कि प्लेटिना को एक बेहतरीन सौदा बना देता है बाकी किसी भी 110cc की बाइक को छोड़ के प्लेटिना को परचेस करने के मामले में, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए। और हाँ, एंटी लॉक ब्रेकिंग यानी कि एबीएस में आपकी जो राइड क्वालिटी वो काफी हद तक नॉर्मल ब्रेकिंग से सेफ हो जाती है। तो अब प्लेटिना, जो कि सीधे तौर पे प्राइसिंग के मामले में, इंजन तो मैं नहीं बोलूंगा बट प्राइसिंग के मामले में इंडियन मार्केट में कंपैक्ट करती थी सीधी ही स्प्लेंडर प्लस के साथ, तो अभी कहीं सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि भाई क्या स्प्लेंडर प्लस में भी अब हमें एबीएस देखने को मिलेगा। तो कंपनी ने कोई अभी ऐसा पूरा हिंट नहीं दिया, बट हाँ 99.9% चांस है कि इन फ्यूचर यानी कि 3 या 4 महीनों के अंदर अंदर ही आपको वहां पे स्प्लेंडर प्लस में या तो फिर दूसरी हीरो की कोई 110 या फिर 100cc की बाइक आएगी। इवन यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो ऐसा कंफर्म नहीं है कि ये एबीएस सिस्टम आपको स्प्लेंडर प्लस में ही देखने को मिले, शायद से वो पैशन प्रो में भी आ सकता है, बट हाँ जरूर से ये चीज होने वाली है, क्योंकि जब से प्लेटिना में एबीएस प्रोवाइड कर दिया तब से इंडियन मार्केट में स्प्लेंडर की डिमांड में काफी ज्यादा हिलचाल। नो डाउट उसकी सेलिंग बेहतरीन है, अभी भी स्टिल कंटिन्यू अच्छी सेल करती है और इन फ्यूचर भी करेगी, क्योंकि वो एक लेजेंड बाइक है, बट हाँ थोड़ा सा धक्का तो लगा है। और बजाज ने वैसे ही अपने कस्टमर्स को एक ये बेहतरीन तोहफा प्रोवाइड कर दिया गया है, और वो भी ज्यादा प्राइस रेंज इंक्रीज ना करते हुए। तो हाँ, ये सीधी सी बात है और सही सी बात है कि जरूर से अभी थोड़े टाइम बाद से, मैं यहाँ पे सिर्फ स्प्लेंडर को ही इंक्लूड नहीं करूंगा, होंडा हो गई, टीवीएस हो गई, ये सभी कंपनी भी देखेगी, क्योंकि एक कंपनी है जो कि अपने कस्टमर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रख रही है और वही चीज बाकी कंपनियां भी जरूर से देखने वाली है। और अपने कस्टमर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रख के आपको जरूर से इन फ्यूचर स्प्लेंडर, पैशन हो गई, लीवो हो गई, या तो फिर कई नई भी बाइक आ सकती है जो कि आपको एबीएस के साथ देखने को मिल जाती है। और हाँ, ये जो प्योर देसी कंपनियां होती है ना, जैसे कि बजाज, और कार में भी मैं बात करता हूँ टाटा की, जो कि हमेशा से अपने इंडियन कंज्यूमर की राइडिंग क्वालिटी, उन सभी को पता है कि इंडिया में लोग कैसे ड्राइव करते हैं, इस वजह से वो ज्यादा बेहतरीन समझते हैं और ज्यादा अच्छी बाइक भी आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो भाई लोग, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना हो, लुक बुक से ज्यादा कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना हो, ना तो ज्यादा एडवांस फीचर चाहिए, आपको एक अच्छी और सेफ बाइक चाहिए, तो वहां पे प्लेटिना एक काफी ज्यादा शानदार ऑप्शन वहां पे आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। और हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ 101% श्योरिटी के साथ कि अगले 4-5 महीनों में आपको हीरो की तरफ से कोई ना कोई बाइक को देखने को मिलने ही वाली है इन दिस सेगमेंट, क्योंकि कंपनी ने छोटी सी हिंट दे दी थी, तो शायद से जल्दी ही कोई ना कोई बाइक तो यहाँ पे आने ही वाली है। तो अभी अगर आप 4-5 महीने तक रुक सकते हो, हीरो ना सही कोई और ऐसी कंपनी रहेगी जो कि अपने लोअर जो सेगमेंट वाले इंजिन आते हैं वहां पे एबीएस प्रोवाइड करवा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप वेट कर सके तो नेक्स्ट 4-5 मंथ तक वेट कर जाइए, क्योंकि आपके लिए और ज्यादा बेहतरीन ऑप्शंस इंडियन मार्केट में अवेलेबल होने वाले हैं। हीरो ना सही कोई और कंपनी तो जरूर से जरूर, हीरो का तो मैं बोल ही रहा हूं कि 4-5 महीने में कोई बाइक आएगी, लेकिन अगर शायद उसे देरी भी हो जाए तो भी उससे पहले टीवीएस हो गई, सुजुकी हो गई, या तो फिर यहाँ पे होंडा भी अपने कंज्यूमर्स की सेफ्टी को देखते हुए जरूर से कोई ना कोई लोअर सेगमेंट की बाइक एबीएस के साथ रिलीज कर सकती है।
तो इस वजह से अगर आप थोड़े टाइम तक वेट कर पाए तो कर लीजिए, ताकि आपको एक ऐसी बाइक भी मिल जाएगी मार्केट में से जो कि अच्छे फीचर्स, अच्छा इंजन, अच्छी सेफ्टी और साथ ही साथ एक कॉम्पैक्ट प्राइस रेंज, यानी कि एक बेहतरीन पैकेज वाली बाइक जरूर से थोड़े ही टाइम में इंडियन मार्केट में अवेलेबल होगी। किस कंपनी पहले ऑफर करेगी, कौन सी कंपनी, वो पता नहीं, बट हाँ ये चीज जरूर से होने वाली है। और अगर आप स्प्लेंडर का ही वेट कर रहे हैं एबीएस के साथ, तो बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि वो बाइक 99.9% चांसेस है कि एबीएस के साथ इंडियन मार्केट में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। सो बस दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। और अगर आपका बाइक को रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का 101% आंसर करने की ट्राई करूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।